हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं डोंक और सलहार के बारे में। जी बिल्कुल, दोनों ही मूवी अभी सिनेमाघर में दौड़ रही है, क्या भाग रही है एक तरह से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम डोंकी के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे सलहार के बारे में। दोनों मूवी का क्या रिव्यू है, क्या रिएक्शन है सब पब्लिक का, जो लोग देख रहे हैं उनका क्या कहना है किस मूवी के बारे में। चलिए तो पहले बात करते हैं डोंकी के बारे में। तो डोंकी बेसिकली है किस एक्टर की, तो सबको पता है एसआर के किंग खान। और उनके इनसे पहले भी दो तीन फिल्में आई है, जवान, पठान, जो है कि उनकी फिल्म आ चुकी है। और लगातार एक ही साल में उन्होंने इतनी फिल्में दे दी, तीन से ज़्यादा फिल्म उन्होंने दे दी। तो अगले दो तीन साल फिर उनकी फिल्म आने वाली नहीं है। तो डोंकी बेसिकली कॉमेडी प्लस इमोशन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। जी बिल्कुल। और इनके जो डायरेक्टर है साहब, उन्होंने 3 इडियट्स भी बनाई है, जो कि है आमिर खान की मूवी, उनको भी उन्होंने डायरेक्ट किया, उनको भी उसी ने बनाया है। और अभी डोंकी को भी उन्हीं ने बनाया है। तो डोंकी देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए, तुरंत में आपको हंसी भी लगेगी, तुरंत में आप फ्रेश हो जाओगे, ऐसा कुछ इसमें उसमें कोई फाइट का वैसा कोई सीन नहीं है। और इसमें किंग खान के साथ है आपके विक्की कौशल, तो यही कुछ दो तीन एक्टर्स हैं उसमें। तो डोंकी आप, हाँ अच्छी है मूवी, खराब भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बस एवरेज। जैसी क्रेज लोगों के दिल में था जवान के लिए, वैसा कोई क्रेज नहीं है डोंकी के लिए, एसआरके की इस फिल्म के लिए। चलिए तो अब बात करते हैं सलहार के बारे में। जी बिल्कुल, सलहार जो लोग भी सिनेमाघर से निकल रहे हैं ना, उनसे बस पूछा जाए कि सर आपको कैसे लगे थी, मैम आपको कैसे लगे, तो सबका एक ही बात है, नंबर वन 5 स्टार की रेटिंग, नंबर वन एक्शन, नंबर वन, नंबर वन प्रभासित किंग, बहुत बाहुबली, सब कुछ लोग कह रहे हैं। और ये भी बोला जा रहा है कि ये फिल्म बहुत हिट होने वाली है। बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गाइस, कि इस फिल्म में एक्शन के अलावा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, एक्शन के अलावा ना ही कोई डायलॉग बाजी ज़्यादा की गई है, बस एवरेज डायलॉग्स हैं जो प्रभास ने ही करी है थोड़ी बहुत, उसके अलावा कोई डायलॉग्स नहीं है, ना ही कोई अच्छी एक्टिंग की गई है सारे एक्टर्स के द्वारा। और इसमें एक ही सीन जो है बहुत बढ़िया है, जो प्रभास का जो लास्ट में वो 3-4 लाइन का डायलॉग बोलते हैं वो, और उसके बाद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही है और कोई चीज़ नहीं है। तो बेसिकली एक्शन के लिए हाँ इसमें रिमिक्स किया गया है, वैसा ही ग्राफिक्स जो है KGF की तरह और बाहुबली की ग्राफिक्स को इसमें यूज किया गया है, ताकि फिल्म जो है बन जाए ब्लॉक बस्टर। बट अब तो ये लोगों के ऊपर है कि लोग कितना इसको पसंद करते हैं। 3 दिनों के बाद तो लोगों का अच्छा ही रिएक्शन आ रहा है, जो भी रिव्यू आ रहा है कि हाँ फिल्म चल रहा है अच्छा, और अच्छा ही है अभी तक। और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, और फिर देखेंगे कि 1 सप्ताह के बाद इसका क्या रिव्यू आता है लोगों का, और फिर इसकी कितनी ज़्यादा ये अपना कमाई इनकम कर पाता है, कितना प्रॉफिट सुपर हिट हो पाता है, या सिर्फ ब्लॉकबस्टर या फिर हिट होकर ही रह जाता है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं ये ख़त्म, फिर से मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका अपने चैनल को सब्सक्राइब। बाय।